नगर पंचायत बीरपुर के विभिन्न सड़कों के निर्माण को लेकर मुख्य पार्षद ने मंत्री संजय झा को दिया ज्ञापन। आपको बता दें, जल संसाधन मंत्री संजय झा शुक्रवार को नेपाल प्रभाग से कोसी बैरेज का निरीक्षण करते हुए बीरपुर पहुंचे, जहां बीरपुर में बन रहे फिजिकल मॉडलिंग सेंटर का भी निरीक्षण किया। मंत्री का रात्रि विश्राम बीरपुर आईबी में हुआ, जहां शनिवार की सुबह मुख्य पार्षद सुशील कुमार ने मंत्री संजय झा का पुष्प गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। साथ ही मुख्य पार्षद ने एक ज्ञापन के माध्यम से सिंचाई विभाग द्वारा बने सड़क जो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है, उन सड़कों के निर्माण को लेकर मंत्री संजय झा को अवगत कराया। मुख्य पार्षद सुशील कुमार ने जिन सड़कों का जिक्र किया वे सड़क थे, गोल चौक बीरपुर से फारबिसगंज जाने वाली सड़क, वर्कशॉप गेट से हवाई अड्डा तक जाने वाली सड़क एवं गोल चौक बीरपुर से थाना रोड होते हुए बीरपुर आईवी तक जाने वाली सड़क। इन सड़कों के निर्माण को लेकर मुख्य पार्षद ने शनिवार को मंत्री को ज्ञापन दिया था, जिस पर मंत्री संजय झा ने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द इन सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा। मुख्य पार्षद सुशील कुमार ने और क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं हमारे माननीय जल संसाधन मंत्री श्री संजय झा जी को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। वो बीरपुर की धरती पर आए, हमने पुष्प गुच्छ दे करके उनका स्वागत किया है और उन्हें एक ज्ञापन दिया जिसमें सिंचाई विभाग के अंतर्गत जो सड़कें आती है और जो क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं उनके निर्माण के लिए उनसे अनुरोध किया है उस आवेदन के मार्फत से, और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि बहुत जल्द ही इसे बना दिया जाएगा। उनकी जानकारी में नहीं था शायद, और उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द बन जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से गोल चौक से जो वर्मा सेल सड़क जाती है और पावर हाउस गेट से हवाई अड्डा तक जाती है जो सड़क, और एक गोल चौक से आईवी तक जाती है। उन तीनों सड़कों का मैंने जिक्र किया है और मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द यह सड़क बन जाएगी।